नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं रियावन, कपिल भैया के यहाँ पर। रियावन सिल्वर का जो प्लॉट है वो विजिट करने के लिए। तो आज हम कपिल भैया से जानेंगे कि इस बार जो मौसम परिवर्तन हुआ है और बहुत सारे किसानों ने, जैसे कपिल भैया के यहाँ से, अदर से भी, कहीं से भी सीड से उन्होंने खरीदा है, रियावन सिल्वर का लगाई है, तो उसका उत्पादन जो है वो काफ़ी कम निकल रहा है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के हार्वेस्टिंग होने लगी हैं और बहुत सारे किसानों के प्लॉट हमने विजिट किए हैं, तो उनमें बहुत सारी दिक्कत आई है। तो उन दिक्कतों का सामना किसान क्यों कर रहा है और उनके समाधान के लिए किसान को क्या करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो रियावन सिल्वर लगाता है तो उन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखे, ताकि उसकी जो क्वालिटी बेटर बनेगी, कण की साइज भी अच्छी रहेगी और उसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। पिछली बार हमने इसी टाइम पर एक वीडियो आपको पोस्ट किया था किसान हेल्पलाइन के, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने किसान हेल्पलाइन द्वारा कपिल भैया से जाना था कि आपकी जो रियावन सिल्वर की जो खेती है, तो वो जब बीज आप लगाते हैं तब से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक कैसे, किस टाइम कैसे, क्या कौन कौन सी दवाई स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज़र, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ें वही ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र और स्प्रे। तो उसमें आपको डिस्कशन में वो लिंक मिल जाएगी, लगभग 80,000 से भी ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो भी आप देखिए। और रियावन सिल्वर और आप जो लगाते हैं इसमें विशेष करके क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जैसे कि बहुत सारे किसानों का कहना है कि क्लाइमेट जो था, वातावरण, बहुत दिनों तक धूप नहीं निकली, क्लोरोफिल की जो मात्रा प्रॉपर नहीं हो नहीं पाई, पर जहाँ पर हम जिस प्लॉट में खड़े हैं, कपिल भैया के प्लॉट में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जब लहसुन लगाई थी और अभी तक लगभग 120 दिन प्लस की लहसुन हो गई है, तो यहाँ पर लगभग क्लाइमेट जो है, मौसम साफ रहा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अगर मौसम अगर सब तरफ बिगड़ा है तो सुबह के यहाँ पर भी बिगड़नी चाहिए थी लहसुन, पर यहाँ पर नहीं बिगड़ी, उसका रीज़न क्या है वो जानेंगे। नमस्कार कपिल भैया। नमस्कार। आपका किसान हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने जो रियावन सिल्वर जो लगाई है इस बार, इसमें आपने विशेष तौर पर क्या सावधानी रखी है? तो नमस्कार किसान मित्रों, इस वर्ष जो रियावन सिल्वर हमारे यहाँ पर लगी थी, देखा जाए किसान मित्रों तो 24 अक्टूबर के आसपास लगी थी, और ये जो इधर वाला प्लॉट है 30 अक्टूबर के आसपास का है। तो किसान मित्रों, इस बार जो है हमने देखा है कि मौसम जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है। देखा जाए इन जनरल अगर हम एक एवरेज काउंट समझें तो 25 दिन तक जो मौसम है वो कम्प्लीटली ऐसा देखा जाए कि धूप बिल्कुल गायब थी, सूर्य जो था वो बिल्कुल गायब था, और बहुत सारी समस्याएँ उसके साथ में थी, धुंध भी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, बीच में हमने एक दो बारिश के दौर भी देखे, तो उस समय पर बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जिनके यहाँ पर लहसुन जो है वो डिस्टर्ब हुई है जी। पर उस समय पर होता क्या है इन जनरल कि किसान मित्र थोड़ा सा ध्यान, ये आजकल आप देख रहे हैं कि इन जनरल आज मौसम ख़राब हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कृषक मित्र हैं जो हमें बता देते हैं, आजकल वेदर एप्लीकेशन चल रही है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि जैसे कि हमारा खेत है और हमें लग रहा है कि अभी यहाँ से बारिश आने वाली है, 5 दिन बाद मौसम ख़राब, वैसे इन जनरल 5 दिन बाद तो पता लग ही जाता है ना, 5 दिन पहले में, 5 दिन आने वाले 5 दिन में मौसम ख़राब रह सकता है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा गहरी जो सिंचाई है, जो किसान मित्र फ्लड इरीगेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मौसम ख़राब होगा ये हमें पहले से पता होता है, पर उस समय पर अपने हाथ में ये होता है कि हम कुछ समय के लिए सिंचाई रोक दें, पर हम उस समय पर सिंचाई नहीं रोकते हैं। तो हमें अगर लग रहा है कि मौसम ख़राब हो रहा है, ख़राब हो सकता है, तो उस समय पे हमें सिंचाई रोक देनी चाहिए। तो उससे क्या रहेगा कि हमारे खेत के अंदर नमी कम रहेगी, अगर नमी कम रहेगी तो फंगस जनित रोग जितने भी हैं वो कम आएंगे, तो उस समय पर हम फंगस जनित रोग जितने, हम डाउनी मिल्ड्यू या फिर हम स्टेमफिलियम ब्लाइट या फिर जितने भी सारी चीज़ें जो आ रही ना फंगस जनित रोग में, चाहे वो जड़ के अंदर फफूंद हो, कीड़े लगना हो, सारी चीज़ें हम उस समय पर बच पाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उस समय पर मैंने किसान मित्रों को सजेशन दिया था कि आप जो सीवीड एक्सट्रैक्ट जाता है, जिसको हम समुद्री शैवाल से बना हुआ टॉनिक जो हम आता है, बायोबीटा, ह्यूमिसिल जी, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अलग अलग नामों से आती है, उनका उपयोग करना है। अब उसके पीछे का किसान मित्रों को लॉजिक पता नहीं होता आखिरकार वो क्यों उपयोग की जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल, सही तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि सीवीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, हम उसका उपयोग इसलिए करते हैं, इन जनरल समुद्री शैवाल मतलब समुद्र के अंदर हज़ारों फीट गहराई के अंदर समुद्री घास जो होती है वो पनपती है, तो वो क्या वहाँ पर समुद्र के अंदर सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी है वो नहीं पहुँच पाती है। अगर रोशनी नहीं पहुँच पा रही तो आप समझिए कि अगर पानी के अंदर बहुत गहराई के अंदर कोई पौधा है जो पनप रहा है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पा रही, तो वो किसी न किसी माध्यम से तो सर्वाइव करेगा। अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो उसने अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि वो उस क्रिटिकल ऐसे माहौल में वो अपने आप को जिंदा रख पाए, तो वही चीज़ जो है जो इन प्रोडक्ट के अंदर आती है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको निकाला जाता है, और उसके अंदर एक हार्मोन होता है कि वो बिना सूरज के भी अपना भोजन बना पाए। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई समस्या है, अगर आपको लग रहा है कि मौसम बहुत दिनों से गायब है,
तो उस समय पर आप जो सीवीड वाले जो टॉनिक आते हैं वो आप उपयोग करेंगे तो आपके यहाँ पर जो हरापन है वो भी बेटर रहेगा, आपके पौधे के अंदर क्षमता आएगी कि वो विपरीत परिस्थिति में अपना जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो चालू रखें। तो इसलिए उस समय पर सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है उसको स्प्रे करने का सजेशन दिया जाता है, या फिर आप ग्रेन्यूल भी उपयोग कर सकते हैं, तो वो इस समय पर आपका काम आता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल कृषि जानकार के ऊपर डाली हैं, जिन किसान मित्रों ने उसको समय रहते चीज़ें कवर कर ले, समझ लिया उस बात को, मैंने इसके पीछे का लॉजिक भी बताया था, सारी चीज़ें वहाँ पर बताई थी। जिस किसान मित्र ने समय से समझ लिया उसके यहाँ पर प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा इतना इफेक्टिव तरीके से चीज़ें जो है वो नहीं, ये जो फंगस वगैरह वाली जो चीज़ें हैं इतनी इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाई वहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा डैमेज हुआ है। क्योंकि मौसम आपने देखा प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो 25 दिन का एक टाइम स्लॉट समझे, 25 दिन आप बिल्कुल हालत गंभीर थी, तो उस समय पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसलों को हुआ है। यही नहीं, आप अगर गेहूं के अंदर जाएंगे तो उत्पादन बहुत कम हुआ है, मसूर चना अलसी वगैरह सब में आप जैसे जैसे देखेंगे ना उत्पादन जो है वो इस वर्ष जो है हर वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा कम निकल रहा है, तो इस वजह से उसकी चपेट में लहसुन भी आई है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पिछले सीजन में हमने आप ही का प्लॉट विजिट किया था, पर इस बार जो हम यहाँ का प्लॉट जो विजिट कर रहे हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा बेटर अच्छा है, क्योंकि इस बार क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब हुआ, लगभग हर एक किसान को उसने चपेट में लिया है, लहसुन हुआ चाहे दूसरी क्रॉप हुई, हर एक किसान का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ का जो प्लॉट है काफ़ी बेटर तरीके से, और हमने जैसे बहुत सारे प्लॉट विजिट किए हैं रियावन सिल्वर के, तो वहाँ के किसानों की मेन समस्या देखने को आ गई है कि एक तो पौधे की हाइट कम रही, साथ में जो कंद की साइज़ है वो कंद की साइज़ भी प्रॉपर नहीं बन पाई है, तो अभी ऐसी साइज क्यों हो पाई है, क्योंकि अभी जैसे कि किसानों के 120 दिन प्लस की लहसुन होने को आ गई है और 150 दिन की वेराइटी ये है, तो अभी जो साइज उनकी बनी है लगभग छोटे नींबू के आकार की साइज बनी है कंद की, वो लगभग कलियाँ खुलने को आ गई है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो बटदर, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा जो सिस्टम है वो है क्रॉप रोटेशन। खेत के अंदर बार बार एक ही प्रकार की फसल अगर हम लेते हैं तो भी समस्याएं आती हैं। अगर आप समझिए कि हम बार बार पहले बहुत बार चने लेते थे, अभी चने होना हमारे यहाँ पर लगभग बंद हो गए हैं। अभी मेथी के साथ में वो समस्या आना आपने देखी होगी, मेथी के साथ में सेम समस्या आना शुरू हो गई है। मेथी भी जो है वो शुरू से लेके अंत तक बहुत सारी जो मेथी है वो सूख जाती है। सेम चीज़ लहसुन के साथ में भी है। हमें क्रॉप रोटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फसल चक्र अगर हम नहीं अपनाते हैं, इस वर्ष हमारे पास जैसे कि वर्ष 2024 में लहसुन है, हम 2025 में वापस से लहसुन लगा देंगे, या फिर एक साल का गैप मैनेज करके 26 में वापस लहसुन लगा देंगे, तो आप सोचिए कि कैसे मैनेज होगा। और दूसरी चीज़, जितनी भी मसाला वाली फसलें होती हैं जिनके अंदर स्वयं का फ्लेवर होता है, वो क्या करता है कि ज़मीन से बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट अटैक करता है। अब लहसुन वाली फसल है, अभी ये क्या होता है, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा, अब देखा जाए लहसुन की जड़ इतनी ज़्यादा जाती हैं, बहुत सेलो इसकी जड़ें हैं, तो ऐसी अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि ये लहसुन जो है अब बहुत ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन, ये हमारी ऊपरी सतह में जितने भी न्यूट्रिशन है सारे अटैक कर लेती हैं। अब अटैक जब कर लेती है तो हम उसकी फुलफिल वापस से नहीं कर पाते हैं। हमारे खेतों के अंदर सल्फर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, पोटाश भी हम नहीं उपयोग करते हैं, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो किया है, यहाँ पर हमने मेन न्यूट्रेंट जो NPK होते हैं वो भी हमने डाला है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, अलग अलग बहुत लंबी चौड़ी रेंज है, 12, 32, 16, 18, 46, 0, 14, 35, 14, 12, 11, 18, इन सबको हमने यहाँ पर उपयोग किया है, बारी बारी से चीज़ें उपयोग करी है। बेसल डोज भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छा दिया है। इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट है सल्फर कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो भी हमने यहाँ पर उपयोग किया है, उनका भी बराबर मात्रा में ध्यान रखा है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं किसान मित्रों कि जैसे कि दाल बना रहे हैं, दाल के अंदर नमक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम नमक नहीं डालते हैं तब भी स्वाद नहीं आता, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तब दाल खाने लायक नहीं बचती, तो वैसा का वैसा इसके साथ में भी है। अगर हम माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं डालते हैं तब भी हमारी जो फसल है वो कहीं ना कहीं, इसको बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है। अब हमें भी जीने के लिए, हमें बस केवल रोटी रोटी दें और पानी ना पीने दें तो क्या हम भोजन को पचा पाएंगे? नहीं। तो वैसा का वैसा सेम सिस्टम है, हमें पानी की भी ज़रूरत है, हमें रोटी की भी ज़रूरत है, दाल की भी, अचार की भी, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से पौधों को भी सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो इस वो सारा मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया, और मैंने जो आपको बताया क्लाइमेट चेंज, जो मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पानी का जो मैनेजमेंट है वो पूरा रखा। पानी जिस समय पर रोकना था उस समय पर रोका, जिस समय पर देना था उस समय पर दिया, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें बेटर रही। और ख़ास करके जो आप बोल रहे हैं थ्रिप्स, यहाँ पर पौधे बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उसके पीछे का कारण भी किसान मित्रों कि यहाँ पर जो मेन न्यूट्रेंट है NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, और फास्फोरस जो होता है वो पौधे के तना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नाइट्रोजन पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और कंद का आकार या फिर कोई दूसरी फसल की हम बात करें तो उसके ग्रेन का साइज, उसका रंग रूप और उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए पोटाश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन सब का भी हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें बेटर हैं। और टिप्स अभी आपने देखा, अगर बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर पौधे पतले रह जाते हैं, उसके पीछे का कारण है कि वो अर्ली स्टेज में थ्रिप्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी आपने यहाँ पर थ्रिप्स देखा? नहीं, अभी पूरे प्लॉट में हमने देखा है किसी भी लगभग अगर 0.01% भी थ्रिप्स नहीं है, वो लगभग ये प्लॉट है लगभग 7 बीघे से भी ज़्यादा का प्लॉट है। अगर आप सोच सकते हैं कि 7 बीघे के प्लॉट में 0.01% भी अगर थ्रिप्स नहीं है तो उसका क्या रीज़न है और उन्होंने किस टाइम पे क्या चीज़ यूज़ करा, थोड़ा वो क्लियर करिए किसानों को, ताकि नेक्स्ट टाइम जब किसान जाए रियावन सिल्वर लगाएं या अपने घर की कोई भी वेराइटी अगर लगाता है तो उसका विशेष तौर पर ध्यान रख सकें। तो पाटीदार जी, वैसे हम थ्रिप्स के लिए हमने यहाँ पर हर बार अलग अलग चीज़ें उपयोग करी। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था, हमने रोगर से शुरुआत करा था, डायमेथोर्प से शुरुआत हमने करी थी, उसके अलावा हमने एकतारा वगैरह भी यहाँ पर डाला, मतलब थायमेथोक्सोम भी डाला, उसके बाद फिर हम थोड़ा ऊपर बढ़े तो हमने एमिडा क्लोरोपीड भी यहाँ पर डाला, पीप्रोनील का कॉम्बिनेशन लिया, इसके अलावा हमने यहाँ पर फेंटोनाइट प्लस साइफरमेथ्रिन वाला जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमने यहाँ पर उपयोग किया। और हम स्प्रे में, हर स्प्रे में यहाँ पर जो है नीम तेल का उपयोग कर रहे हैं, मतलब नीम तेल बहुत सस्ता है, आसानी से हर दुकान पर आजकल उपलब्ध है। आप चाहें तो आप हर टैंक पे 100 ml प्रति बीघा के हिसाब से उपयोग करिए ना यार, बहुत सस्ता है, आसानी से आपको हर दुकान पे मिल जाएगा। तो वो क्या करता है, आपके पौधों के अंदर जो जितने भी थ्रिप्स के अंडे हैं उनको मारता है। इसके अलावा आपकी फसल के ऊपर नीम तेल अगर पड़ता है तो दूसरे जितने भी दूसरे रोग होते हैं वो भी अगर जमीन पे पड़ेगा तो जमीन के कीड़े के ऊपर काम करेगा, फफूंद के ऊपर भी काम करता है, लेयर बना देता है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट होती हैं। तो अभी भी हमने रिसेंटली यहाँ पर स्प्रे, अभी कल हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे, उसमें हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं एमिडा क्लोरोपीड प्लस बीटा साइफ्लोथ्रीन वाला कॉम्बिनेशन, साथ में हम उसके जो अपना मार्शल आता है कार्बोसल्फ्यूरॉन वो हम लेंगे और उसके साथ में लॉकडाउन का उपयोग करेंगे। लॉकडाउन भी बहुत बढ़िया चीज़ है, वो भी देखा जाए इन जनरल तो लॉकडाउन के अंदर वो होता है बिल्कुल कड़वा सा, पत्तियों के अर्क से बना होता है। तो वो क्या होता है कि पौधा हमारा जब कड़वा होगा तो रस चूस सके, उससे रस नहीं चूस पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर उपयोग करी हैं और फफूंद नहीं आने के कारण भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी थी, हमने हेक्सा प्लस एंट्राकोल से शुरुआत करी थी, फिर ऊपर बढ़े मेटालेक्सिन मेनकोज़ब तक गए, उसके ऊपर फिर हम आए तो उस समय पर हमने कोनी का उपयोग कर लिया था, उसके बाद थोड़ा हम ऊपर आए तो हमने एमिस्टा टॉप उपयोग किया था, उसके ऊपर हम आए तो नेटिव उपयोग किया था। और अभी यहाँ पर फंगस की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है तो हम हेक्सा प्लस जिन्हें भी यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब हमें एक स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें शुरुआत में बेसिक वाला फंगीसाइड कौन सा लेना है, उसके अपर वाली क्लास हमें कौन सी डिसाइड करनी है। कुछ किसान मित्र गलती क्या करते हैं कि शुरुआत में ही पीप्रोनील 40 प्लस एमिडा 40 का स्प्रे कर देते हैं। अभी इतना ज़्यादा हैवी टेक्निकल अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, बताइए आप क्या मानते हैं पीप्रोनील 40 प्लस एमिडा 40 को? बिल्कुल, क्योंकि मेरे मान से तो है जो 40-40 किसान जो यूज़ करते हैं वो एक टाइप से लहसुन के लिए ब्रह्मास्त्र है। अगर जहाँ पर कोई भी आपका शस्त्र काम नहीं कर रहा है वहाँ पर आप ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हैं, तो वो आपको लास्ट स्टेप पे देना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि थ्रिप्स आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप उसे कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान क्या करते हैं जब शॉप पे जाते हैं लेने के लिए दवाई तो डायरेक्टली उनको क्या है लगता है, क्योंकि अभी क्या है कि मोबाइल हर एक किसान के पास है, हर एक किसान देखता है कि यार 40-40 का रिजल्ट काफ़ी बेटर है। तो जब शुरुआती स्टेप में जब थ्रिप्स आती है तो किसान क्या करता है कि 40-40 का ही स्प्रे कर देता है। जब ब्रह्मास्त्र उसने पहली बार में यूज़ कर लिया तो फिर बाद में अस्त्र कौन सा यूज़ करेगा। सबसे बड़ी विशेष तौर पर आप किसान ये ध्यान जरूर रखिए कि आप स्टार्टिंग में जो है छोटी स्टेप से स्टार्ट करिए, ताकि आपको जो है नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगेगा कि यार थ्रिप्स दोबारा आए हैं तो फिर अपन उसमें कुछ चेंजेस करके ने कोई भी दूसरा फंगीसाइड दे सकते हैं, इंसेक्टीसाइड दे सकते हैं, तो उससे क्या है आपकी जो थ्रिप्स हैं वो कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके जो प्लॉट में देखा है जैसे थ्रिप्स की समस्या नहीं है, हरा चल रहा है, इसके बारे में आपने सारी जानकारी दे दी। और इसके अलावा जो लहसुन में जो डंडी आ जाती है, गुंडी जैसे बोलते हैं, तो लगभग वो 120 दिन के आसपास में आनी लग गई है। बहुत सारे किसानों के लगभग 100 से 120 दिन के ही लगभग माने लगी। आपका जो प्लॉट है 120 दिन प्लस यानी कि 125 से 30 दिन के समथिंग का हो चुका है, अभी तक मेरे को यहाँ पर नहीं दिखी है इस टाइप से, तो उसका आने का मेन रीज़न क्या है और अगर किसान उसे रोकना चाहे तो ऐसी कोई प्रोसेस है उसे रोकने की? ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, रुकती तो नहीं है, वो वेराइटी टू वेराइटी वेरी करती है। जैसा कि आप बता रहे थे एक भैया जो साथ में खाचरोज से आप आए हैं, तो आप यहाँ पर विजिट करने आए हैं, तो आपका आप बता रहे थे कि बोले मैंने रियावन सिल्वर एक और रियावन वाली लगा रखी है, तो वे वैरायटी से वैरायटी वेरी करती है। कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें 120 दिन के अंदर ही
डंडी आना शुरू हो जाती है। कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर, जैसे कि रियावन सिल्वर है, आपको 120 दिनों बाद भी इसमें डंडी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत कम डंडी देखने को मिल रही है। तो जो रियावन सिल्वर दूसरी मार्केट में रियावन सिल्वर के नाम से जो चल रही है, रियावन सिल्वर गैप या सेकेंड रियावन के नाम से चल रही है, वो वैरायटी दूसरी है, बट उसको रियावन सिल्वर के नाम से सेल किया जा रहा है। तो ये थोड़ी समस्या है किसान मित्र। आपने भी मुझे जैसे कि बताया कि बोले मंडी में अगर बोला जाता है कि यार वो रियावन और ये रियावन में थोड़ा फ़र्क है, तो ये थोड़ा कम पानी लेती है, तो वो ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर रियावन सिल्वर जो वैरायटी है जो अपने यहाँ से है, वो 150 दिन में मैच्योर होती हैं, और उसके अंदर जो डंडी दिखना जो शुरू होती है वो 120 दिनों के बाद में ही आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगी। 120 से 135 दिनों के बीच में आपको मैक्सिमम लहसुन के अंदर देखना को मिल जाएगी। बाकी आप जो बोल रहे हैं ना 110 दिन में आ जाती हैं, वो अलग वैरायटी से वैरायटी वेरी करता है। और दूसरी चीज़, अगर बहुत सारे किसान मित्रों के यहाँ पर जो है डाकरी चढ़ने की या फिर डंडी चढ़ने की समस्या होती है, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के उपयोग करने से होती है। बहुत ज़्यादा हम यूरिया अगर उपयोग करते हैं ना, सीधे डायरेक्ट नाइट्रोजन यूरिया के अंदर ही होता है। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हम उपयोग करते हैं तो पौधा का पूरा जो ध्यान है, पौधा है उसका पूरा जो ध्यान है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर हो जाता है। मतलब वो पूरा अपना ऊपर की ग्रोथ में ध्यान उसका हो जाता है, तो उसकी वजह से पौधा जो है वो डंडी चढ़ जाता है। तो उस वाले प्लॉट के अंदर ज़्यादा समय से डंडी आती है। तो अच्छा, आप पटीदार जी, आप जो बता रहे हैं जो आप प्लॉट आप देख के आए, उनके अंदर हाइट क्या है? हाइट इससे ज़्यादा है कम है? नहीं, इससे तो काफ़ी कम है। उसके बाद में भी उसमें डंडी आ गई? उसके बाद में भी उसमें डंडी आ गई। तो फिर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ डाली है जिसकी वजह से जो है वो ग्रोथ जो है वो वहीं के वहीं रुक गई, तो इसकी वजह से भी, या फिर वैरायटी अगर आप दूसरी उपयोग कर रहे हैं तो भी हो सकता है, वैरायटी से वैरायटी में भी मैटर करता है। क्योंकि हो सकता है इस बार भाव अच्छा रहा और किसानों को लगा कि नहीं यार हमें ऐसी कुछ दवाई स्प्रे कर दूं जिससे उसकी जो कंद जल्दी ग्रोथ हो जाए ताकि मेरे को अच्छा से भाव मिल जाए, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारे किसानों ने अपना नुकसान कर दिया है। एक चीज और मैं पटीदार जी आपको किसान हेल्पलाइन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मार्केट में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका आप स्प्रे कर दें तो आपका जो कंद का आकार है वो 2 गुना हो जाएगा। ऐसी कोई भी आजकल गांठ बढ़ाने वाली दवाई के नाम पे बहुत सारा ऐसा किया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसी कोई लहसुन की दवाई कोई भी नहीं आती है जिसका स्प्रे मात्र करने से आपकी लहसुन का गांठ बड़ा हो जाए। आपकी गांठ जो है वो 30 ग्राम की है, उसको स्प्रे करने के बाद आपकी लहसुन की गांठ जो है वो 60 ग्राम की हो जाएगी। ऐसी कोई भी दवाई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो स्प्रे करने के बाद में आपकी लहसुन का वजन जो है वो 10 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा। तो अगर देखा जाए, किसानों के मन में एक ये है कि यार ये दवाई है इसका स्प्रे कर लूँगा तो मेरी लहसुन जो है उसका वजन आकार बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं 100 ग्राम के प्लेस पे 300 ग्राम उपयोग करता, 400 ग्राम उपयोग करता, 500 ग्राम उपयोग करता। ये जो अभी मैं 100 दिनों से जो रामायण कर रहा हूँ ए से लेकर जेड तक, इसका तना बनाने में, इसको हष्ट पुष्ट रखने में वो जो मेहनत कर रहा हूँ, वो मेहनत क्यों करता? अभी तक जो किसान मित्र मेहनत कर रहे हैं वो क्यों करते हैं? आखिरी में 90 दिन क्रॉस करने के बाद में जो दवाई 100 ग्राम डल रही है उसको ही अब 500 ग्राम डाल के आपकी लहसुन की गांठ क्यों नहीं फुला लेते? तो दोस्तों, ऐसी कोई दवाई नहीं है, आपको आपके पौधे के अंदर जो क्षमता है वैसी ही गठान मिलेगी। मतलब पौधे का स्टेम बिल्कुल हरा है, पौधे का स्टेम मोटा है और पौधे के स्टेम के अंदर क्षमता है और हाइट बिल्कुल आइडियल हाइट पर है, तभी उसकी गठान बनेगी। अदरवाइज हम सोच लें कि यार भैया ये स्प्रे करने से गठान बढ़ जाएगी, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जरूर होगा कि आपकी जो लहसुन है वो अर्ली मेच्योरिटी उसकी जरूर आ जाएगी। मतलब जो लहसुन 130 या 135 या 150 दिन में पकने वाली थी, 150 दिन वाली 140 दिन में पक जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्केट के अंदर हुआ है, बस भ्रम है। तो इस बात से किसान मित्र बचें और ऐसी कोई भी दवाई के ऊपर आप खर्चा ना करें कि यार ये गठान बढ़ाने वाली है, कंद बढ़ाने वाली, ऐसी कोई भी दवाई आजकल मार्केट में नहीं आती। अगर आएगी किसान मित्र तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो आप ये बात बिल्कुल, इस बात के तो बिल्कुल चारे नहीं लगे, बिल्कुल कोई यूजलेस चीज़ है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप किसानों को विशेष तौर पर रियावन सिल्वर अगर लगाते हैं तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, और साथ में अगर कोई किसान रियावन सिल्वर लेना चाहता है तो आपके थ्रू उसे कैसे रियावन सिल्वर पहुँचेगी, थोड़ा उसके बारे में भी डिटेल बता दीजिए। भैया, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रियावन के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक तो रियावन सिल्वर जो है ये लहसुन है, काफ़ी लंबा समय इसको पकने में लगता है, 150 दिन किसान मित्रों ये लेती है। मतलब मैच्योरिटी में, हार्वेस्ट होने में 150 दिन का समय लगता है, 135 दिन में इसमें आखिरी पानी जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पानी की कमी है, पानी आपके पास कम है तो आप ये सीड ना लें। दूसरी चीज़, इसके अंदर रोग कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं, मतलब थोड़ा सा रोगों का ध्यान हमें ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि ये मेच्योर लेट होती है, तो उस समय पर आसपास के सारे थ्रिप्स इसके अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर फंगस वाली बीमारियाँ भी आती हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि ये हल्के खेत के अंदर नहीं होती है।
हल्के खेत, मतलब जो खेत में बहुत ज़्यादा बार लहसुन हो गया है और अब दूसरे लहसुन के अंदर घेरे बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर इसके भी घेरे बैठेंगे। ये एक प्रकार का देसी लहसुन ही है और इसके अंदर मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप सोचें कि केवल मैं इसको लगा देने मात्र से क्वालिटी बना पाऊँगा, तो चीज़ें संभव नहीं है। सारा जो आपको लेबर से करना पड़ेगा दोस्तों, अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तब आप रियान सिल्वर प्रेफर करें, तब आप इसको सीड में उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आपके पास बहुत बढ़िया खेत है, क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, तभी आप रियान सिल्वर खरीदें। रियान सिल्वर जो मेरे पास है वो मेरा नंबर है 8989593423। दोस्तों आप इस जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर अपना नाम पता एड्रेस जो है वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, आप इसके ऊपर व्हाट्सअप करेंगे तो बेटर रहेगा, आपको जितना भी सीड चाहिए मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप बिल्कुल आप आएँ यहाँ पर, प्लॉट विजिट कर सकते हैं, पहले आप प्लॉट विजिट करें और उसके बाद में आप सीड लेने का जो है वो प्लान करें। दोस्तों, जो किसान मित्र ये सोच रहे हैं कि लगा देने से केवल मैं इसको लगा दूंगा और अच्छा पैसा बन जाएगा, तो चीज़ें संभव नहीं है, आपको पैरेलली उतनी मेहनत का आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये मेरा नंबर है। और आजकल जो आप बता रहे हैं मार्केट के अंदर थोड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो दोस्तों बहुत सारे किसान मित्र ऐसे हैं जो मेरे से सीड लेके नहीं गए हैं, फिर भी मेरा नाम लेकर सीड सेल कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करें कि उनका एक बार प्लॉट ज़रूर विजिट करें, और मेरे पास मात्र 150 क्विंटल के आसपास सीड है और मैं उतना ही उपलब्ध करा पाऊंगा किसान मित्रों को। तो 150 क्विंटल मेरे पास सीड है, अगर आप और भी किसी से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, पर एक बार प्लॉट जो है वो ज़रूर विजिट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मिक्स होने की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका कहना है कि प्लॉट विजिट करें, जैसे बहुत सारे किसान भाई कहें कि अगर वीडियो देखेंगे भी तो हो सकता है कि जब हार्वेस्टिंग हो जाए उसके बाद वीडियो देखें, तो पॉसिबल नहीं है कि उनका प्लॉट विजिट करना, तो थोड़ा अगर कोई कंद के हिसाब से अगर उसका कंपैरिजन करके लेना चाहता है तो रियान सिल्वर की जो अदर लहसुन जो रहती है उसके कंद से और इसके कंद में क्या कंपैरिजन रहेगा, थोड़ा वो क्लियर कर दीजिए, ताकि क्योंकि पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाहर का अगर कोई किसान है और यहाँ पर आके प्लॉट विजिट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो कंद के हिसाब से उसकी जो है पहचान कर सके, उसका थोड़ा डिटेल बता दीजिए आप। फर्दर जी, सबसे बड़ी बात, रियान सिल्वर जो है ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा भी साइज़ नहीं होता है, एक आइडियल साइज़ इसकी होती है। और इस जैसे जैसे इसके पहले पर्दे की हम बात करते हैं तो इसके ऊपर 7 पर्दे होते हैं, पर्दों का जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो अपने जो कागज़ के समान होता है, थोड़ा मोटा पर्दा इसके ऊपर होता है। और ऊपर वाला जो पर्दा है, अगर हम वो खेत से निकला हुआ है तो वो थोड़ा मटमैला हो सकता है, जैसे जैसे हम उसको अंदर से खोलते हैं तो उसके बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद निकलता है, सफ़ेदी इसकी खास पहचान है। उसके बाद में इसका जड़ वाला जो हिस्सा है, जो जड़ यहाँ पर रहती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमेशा आपका उठा हुआ रहेगा। तो किसान मित्रों, जड़ वाला हिस्सा उठा हुआ रहेगा, जैसे आप इसकी कलियाँ खोलेंगे तो कलियाँ कम्प्लीटली वाइट निकलेगी, मतलब कोई भी गुलाबी नहीं, कोई भी पर्पल नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, ना ही पीला निकलेगा, पर इसके अंदर जो है कलियाँ कम्प्लीटली आपको वाइट देखने को मिलेगी। और कलियों का जो आकार है वो भी बड़ा रहेगा, और संख्या थोड़ी जो है वो नॉर्मल जीवन वगैरह जो बारीक कली की लहसुन रहती है उससे थोड़ी कम रहती हैं। तो ये इसकी पहचान है किसान मित्रों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ फोटो अगर आपको दिख रहा है आपकी लहसुन के अंदर, या आप कंपैरिजन करके आप सबकी कलियां खोलकर आप देख सकते हैं, तो बेटर आपको पहचान हो जाएगी। इसके अलावा और भी अगर कुछ चीज़ मैं स्किप मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि आपके यहाँ के जो कंद की साइज अभी जो 120 दिन प्लस चल रही है, तो कंद की साइज हम किसानों को बताना चाहेंगे, अभी जो साइज है ये साइज बन चुकी है, अभी तक देख लीजिए एक समान साइज है, और डेंटल की जो है वो भी काफ़ी मोटा है, और कंद की साइज एक समान दिख रही है यहाँ पर। अभी तो ये लगभग 120 दिन की हुई है, और ये लहसुन लगभग 30 से 35 दिन बाद हार्वेस्टिंग होगी। अभी इसमें और समय है, अभी ये इसमें सेकंड लास्ट पानी या अभी और जाना है, अभी हमने 3-4 दिन पहले यहाँ पर पानी दिया था, और थोड़ा मौसम जैसा देख रहे हैं गर्म हो गया है, तो इसके हिसाब से अभी यहाँ 2 पानी और जाने वाले हैं। अच्छा। तो 135 दिन में इसमें आखिरी पानी जाएगा। तो ये पूरा प्लॉट है, लगभग 7 बीघे का प्लॉट है, उधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, इधर थोड़ा सा जो है ढलान वाला एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं। तो अभी तो इसके अंदर ग्रोथ जो है वो प्रॉपर है, क्लोरोफिल भी बराबर है, जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की ओर जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर जो है पीलापन अब आना स्वाभाविक से बात है। हाँ, स्वाभाविक है, अगर वो मैच्योरिटी की ओर जाएगी तो पीलापन स्वाभाविक है। वो तो आपने हमें जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा नेक्स्ट सीज़न जो स्टार्ट होने वाली है अपनी सोयाबीन की, तो सोयाबीन के ऊपर भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि पिछली बार कपिल भैया ने कुछ रिचर्ड सीड लगाए थे, तो उनका उत्पादन कितना निकला, क्योंकि होता क्या है कि किसान मित्र जो सोयाबीन की जो वेराइटी लगाते हैं
तो हर साल वही रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के कारण क्या है कि उसकी एक तो जो फंगस से लड़ने की जो क्षमता रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और हर साल उसी जगह रिपीट होती है, तो उसके कारण क्या उसका जो उत्पादन है वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है सोयाबीन में काफ़ी कम उत्पादन निकला है किसानों का, तो सोयाबीन का जो उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और कौन सी वेरायटी किसान लगा सकते हैं जिससे उसकी वेरायटी का जो है वेरायटी लगाने के बाद में उसका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा मिले, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो हम आपको किसान हेल्पलाइन के चैनल पे पोस्ट करेंगे, तो आप बिल्कुल उसे ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई आपका जो आपने हमें जानकारी प्रोवाइड करी। नमस्कार, जय जवान जय किसान।